बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिफ फैशन टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कैप्री बॉटम डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने कैप्री को कटिंग किया हुआ है। इसके लिए मैंने बुकरम के पीस लिए हैं तीन। ये देखें, इस तरह 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, 2 इंच ही मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये देखें, आप इसको इस तरह देख लें। अब मैं इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इसको इस्त्री से ऐसे चिपका दें। ये मैं शर्ट के साथ का फैब्रिक है, मैं उसके ऊपर इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह इनको कर दिया है अटैच। अब मैं इनको कट कर दूँगी। ऐसे मैंने इनको कट किया। इस तरह इसको फोल्ड करके इस्त्री से प्रेस कर लें। ये देखिए, ऐसे इसको प्रेस करके मैंने फोल्ड कर लिया। ऐसे इसको फोल्ड करके मैंने इस तरह बना दिया। ये देखें, ये भी ऐसी फोल्ड कर लूँगी। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है कैप्री के साथ का, इस तरह इसको फोल्ड करके यूं मैं दोबारा फोल्ड करूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब मुझे देखिए, मैंने इसको 3 इंच के फासले पर यहाँ से मार्क किया है। फिर मैं 3 इंच के फासले पर इसको मार्क करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने जो मैंने वो पैटर्न बना के रखा है उसको मैंने यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। फिर मैं इसको 3 इंच के फासले पर मार्क करूँगी। ये देखिए, फिर करूँगी ऐसे। हमारे 3 मैंने वो बनाए हैं स्क्वायर में पैटर्न। अब हम इसको यहाँ पे, ये देखिए ऐसे सेंटर में मैं इनको अटैच करूँगी इधर। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, ये जो मैंने पट्टी बनाई है इसको इस तरह हम यहाँ पे इधर अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये पट्टी बना के अटैच करूँगी। ये देखिए, ऐसे आप इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह मैंने ये चौड़ी पट्टी बना ली है। अब मैं इनको पैटर्न के ऊपर क्रॉस में अटैच करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे आप इसका क्रॉस बना दें, इसके ऊपर सिलाई लगाएं ऐसे। देखिए, मैं इसको, ये मैंने 2 इंच रखा था, इसको मैं 1 इंच के फासले पे मार्क कर लूँगी ताकि हमारा सेंटर हमें पता चल सके। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अपनी ये वाली पट्टी अटैच कर दूँगी। ये देखिए, दोबारा यहाँ से मैं सिलाई वापस मोड़ लूँगी। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखिए, ऐसे हमारा क्रॉस बन गया है। ऐसे इसके ऊपर भी सिलाई लगा दें। ये देखिए, इस तरह हमारा ये रेडी हो गया है। इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। इस तरह मैंने इसको फोल्ड करके ये देखिए रेडी कर लिया है। इसी तरह हम, ये देखिए मैंने 3 बना के रख लिए। अब मैं यहाँ पे सेंटर में इनको पेस्ट करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह अटैच करूँगी ऐसे। ये जो हमारी नोक है वो हमने मिलानी है एक दूसरे के साथ। ये देखें ऐसे, यहाँ पे मैं इसको पिनअप कर लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी पहले, फिर बाकी दोनों भी मैं इसी तरह अटैच कर लूँगी। इधर मैं सिलाई लगाऊँगी। ये देखें ऐसे,
दे मैंने सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा के इसको चारों तरफ से कंप्लीट कर लें। ये पिन निकाल दें। इस तरह मैं दूसरे पैटर्न भी यहाँ पे ये वाले अटैच करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको ये देखिए इनको मैंने अटैच कर दिया है तीनों को। अब मैं यहाँ पे नीचे ये वाली पट्टी लगाऊँगी। ये भी मेरी शर्ट के साथ का फैब्रिक है, मैंने इसको यहाँ पे अटैच करना है। इसको छोटा कर लूँगी मैं। ये देखिए मैंने इसको एक इंच रखा है। अब मैं ये वाली पट्टी यहाँ पे अटैच करूँगी, इसकी उल्टी तरफ मैं रखूँगी इसको, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको सिलाई कर लें। अब मैं इसको पलट दूंगी, ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी यूँ और यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगा दी है। अब मैं दूसरी तरफ भी यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको सिलाई भी कर दिया है ऐसे। ये देखिए ऐसे मैंने इनको अपना बॉटम रेडी किया है। अब मैं यहाँ पे इधर फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। ये हमारा बॉटम रेडी हो गया है, देखिए कितनी खूबसूरती से ये बन गया है। अब मैं इनके ऊपर बटन अटैच करूँगी और मैंने जो बटन अटैच करने हैं वो मैंने फैब्रिक के अंदर कवर किए हुए हैं। आप चाहें तो दूसरे बटन भी अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हाजिर होंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई